हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेकर्स हब। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक फायर अलार्म प्रोजेक्ट। इसमें मेनली LM358 IC की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अलावा कुछ पैसिव कंपोनेंट्स यूज में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फायर अलार्म का एक प्रोडक्ट मैंने पहले रिव्यू किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। दोस्तों, फायर अलार्म के लिए सबसे पहले हमें एक सर्किट बनाना होगा। इस सर्किट को बनाने के लिए हम एक जीरो PCB यूज में लेते हैं। इस जीरो PCB को हम सबसे पहले क्लिप में लगा देते हैं। अब हम जीरो PCB के ऊपर एक 8-पिन का IC बेस लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम IC बेस इसलिए लगा रहे हैं, अगर किसी कारण से IC डैमेज हो जाए तो हम इस IC को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज सोल्डरिंग के बाद IC को रिप्लेस करना मुश्किल होता है। अब हम एक पोटेंशियोमीटर यूज में लेते हैं, इसे हम IC के पास में लगा देते हैं, और इसके साथ ही हम एक थर्मिस्टर यूज में लेते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर होता है और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। इस थर्मिस्टर को भी हम PCB के ऊपर लगा देते हैं। अब हम एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेते हैं। अब हम इस रेजिस्टेंस को भी थर्मिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक 330 ओम का रेजिस्टेंस यूज में लेते हैं और इसे भी हम IC के ऊपर की तरफ PCB में लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस आउटपुट पिन से कनेक्ट होगा। अब हम एक LED यूज में लेते हैं। ये LED इंडिकेटर की तरह वर्क करेगी। जब फायर डिटेक्ट होगी तो ये LED ग्लो होगी। इसके अलावा हम एक बजर लेते हैं। ये 5 वोल्ट का बजर है। इस बजर को भी हम आउटपुट पिन से ही कनेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, लगभग सारे कंपोनेंट्स हमने लगा दिए हैं। अब हम PCB को उल्टा करके सोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, सोल्डरिंग के लिए आप इस सर्किट को यूज में लीजिए और इस सर्किट डायग्राम को देखकर ही आप सर्किट को डिजाइन कीजिए, अदरवाइज कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, सोल्डरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ सर्किट के ऊपर हमने एक बैटरी कनेक्टर भी यूज लिया है, जिसके कारण हम बैटरी के साथ इस सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया है और इसके ऊपर हमने IC भी लगा दी है। यहाँ पर हमें IC के नोच का ध्यान रखना होगा। अब हम कनेक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी के ऊपर थोड़ा ग्लू लगाकर इस सर्किट को इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। ये सेंसर इधर बाहर की तरफ रहेगा, जिससे हम फ्लेम को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। गाइस, टेस्टिंग से पहले हमें इसका कैलिब्रेशन करना होगा। कैलिब्रेशन के लिए हम इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करते हैं। पोटेंशियोमीटर को एक तरफ रोटेट करते हैं तो LED ग्लो होती है और बजर भी बीप करता है। और दोस्तों, जैसे ही बजर बीप करना स्टार्ट हो जाए तो हमें पोटेंशियोमीटर को फिर से थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में घुमाना है, जिससे बजर की बीप बंद हो जाए। अब हम लाइटर के माध्यम से सेंसर पे थोड़ी फ्लेम डालते हैं। तो जैसे ही हम इस पे फ्लेम डालते हैं, बजर ऑन हो जाता है और ये LED भी ग्लो होती है। यहाँ पर दोस्तों, हम टेम्परेचर को इस पोटेंशियोमीटर के माध्यम से सेट कर सकते हैं। इस पोटेंशियोमीटर को एक तरफ घुमाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा और दूसरी तरफ घुमाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।